होगी, फोटो लेनी है। आज की इस ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच में कुरुक्षेत्र से चलकर आए पूर्व सांसद हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार सैनी जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित और बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, बहुत ही कर्कट और जुझारू संदीप सैनी जी मंच पर, बतन सिंह सैनी जी, परवीन सैनी जी, धर्मेंद्र सैनी जी, दिनेश सैनी जी, जोगिंदर जी, अनुज जी, दीपक जी, विजेंद्र जी, जयपाल जी, भूपेंद्र जी मेरे साथ चल रहे हैं, साजिद हसन मेरे मामा जी, मेरे चाचा मुस्तकीम कच्चीगढ़ी से और तमाम हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का मैं इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी का दिन है, तो हमारे पास अक्सर है, आज ईद भी है और हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी है, तो इन दोनों ही खूबसूरत अवसरों के मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आज का दिन आपकी सभा से और भी ज्यादा ऐतिहासिक हो जाता है। आज हम लोग यहाँ जिनकी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं वो हमारे समाज के सामाजिक न्याय के ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अगर समाज में बदलाव लाना है, समाज को प्रगति पर ले जाना है, तो सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव हर रूप से हमें अपने समाज में लाने की कोशिश करनी है, चाहे वो नीतियों के द्वारा हो या जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं लोगों के बीच में, उनके सुधार के लिए काम करते हैं, दोनों ही चीजें बेहद जरूरी हैं और इनका तालमेल होना और ऐसे लोगों का चयन करना जो हमारे जो महात्मा रहे हैं उनकी उनकी दीवी सीख को उनके पदचिन्हों पर चलकर नीतियां बना सके, ये बहुत जरूरी है। आज पूरे देश भर में चुनाव का दौर है, यहाँ हम जितने भी लोग उपस्थित हैं हम सभी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के अनुयायी हैं और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उनके मार्गदर्शक पे उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने समाज को पढ़ाई की ओर अग्रसर करकर ही आगे ले जाए। आज हमारे बीच में कुरुक्षेत्र से चलकर आए राजकुमार सैनी जी जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात अपने भाषण में आपको और हमें समझाने का प्रयास किया, कैसे ये जो सरकार है ये समाज का हित नहीं चाहती है, चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और आपके हमारे वोट लेकर ये काम सिर्फ उनका करना चाहते हैं। आज सबके सामने इनका पर्दाफाश हो चुका है, सारी सरकारी संस्थाएं जिनसे आपको हमें सुविधा मिलती थी, कम दरों पर हमारे काम हो जाते थे, हमें आरक्षण भी मिलता था, पेंशन भी मिलती थी, वो सब बेच कर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में देकर अपनी नीयत को साफ कर दिया है। ये लोग नहीं चाहते कि हमें इनकी तरफ से कुछ भी लाभ पहुंचे, तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनको हमने ही सत्ता पर बिठाया है उनको अब सत्ता से हटाने का हम काम करें। 10 साल से डबल इंजन की सरकार आपने हमने देखी, क्या लाभ आपको मिला, क्या लाभ हम तक पहुंचा,
ये आपके सामने है। कोई ऐसी इनकी नीति नहीं है जिससे किसी गरीब आदमी को फायदा पहुंचाओ, कोई ऐसे संस्थाएं इन्होंने नहीं बनाई जिससे हमें एजुकेशन में रास्ता दिखे, महिलाओं के लिए हो चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो। ये लोग सिर्फ हमारा वोट लेकर, हमें आपस में लड़ाकर सिर्फ सत्ता हथियाने के इनकी मंशा है। तो आप सब यहाँ पर जागरूक लोग उपस्थित हैं, आप लोग सब समाज के हितैषी हैं, आपके दिल में समाज की चिंता है, इसलिए आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि हम बूंद बूंद से ही दरिया को भर सकते हैं। हम हर जगह जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सीट पर इंडिया गठबंधन को जिताकर इनसे आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। जितनी भी हमारी इंडिया गठबंधन की सीटें हैं उन पर हमारा यही प्रयास है कि हम लोगों को जोड़े, 36 बिरादरी को जोड़े, उन्हें जागरूक करें कि आज तक उनको मिला क्या है, सरकार से क्या मिला है। सरकार का काम है हमारे समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो सबसे दबा कुचला गरीब प्रताड़ित इंसान है, उस तक लाभ पहुंचाना। लेकिन ये सरकार इसके विपरीत ही करती है। आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम किया है, पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिए और ठेके दिए गए। आज इनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। पिछली बार हमने इन्हें 90% वोट देकर जिस गद्दी पर बिठाया है, इस बार अगर हमने अपने इस मौके का, ये जो चुनाव का मौका है, यही हमारे पास एक ऐसा मौका है जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि धरने भी देकर देख लिए, हमारे यहाँ बहुत से किसान भाई भी उपस्थित होंगे, हम लोग धरनों पर भी बैठे। एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपने पेमेंट से ही कर सकता है, और जब वो भी ना मिले तो क्या उसके हालात होंगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो धरनों पर भी बैठकर आप लोगों ने देखा, ना धरनों पर किसी की सुनवाई है ना वैसे सुनवाई है, तो सुनवाई का जरिया सिर्फ आपका वोट है और वोट का मौका आज आपके पास है। तो अगर हम इस मौके से चूके, अगर हम इस मौके से चूके तो फिर गलती हमारी होगी, फिर गलती इनकी नहीं है। और ये लोग जिस तरीके से हमें उदाहरण दे देकर ये दिखा रहे हैं कि इनका अहंकार और इनकी तानाशाही बढ़ती जा रही है, अगर अब भी हमने सीख ना ली तो आगे जाकर हमारी पीढ़ियों को और हमें बहुत पछतावा होगा। तो आप लोग सब यहाँ पर सारी बातों से अवगत हैं, जागरूक लोग हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि जो लोग समाज का विभाजन करते हैं और समाज में दरार डालने का काम करते हैं और फूट की राजनीति पर जो गंदी हथियाना चाहते हैं।